नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 18 जुलाई नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बगावत से जूझ रही शिवसेना अभी तय नहीं कर पाई है कि उसको यशवंत सिन्हा को वोट देना है या फिर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना है। वहीं शिवसेना पार्टी में चल रही बगावत आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में और खुलकर सामने आ सकती है। विधायकों के बाद शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी लाइन से अलग जाते दिख रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। सोमवार को उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 19 में से कुल 11 सांसद मौजूद रहे थे। उस बैठक के दौरान ज्यादातर सांसदों ने उद्धव से अपील की है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। इस मीटिंग में शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही है। वह चाहते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना की तरफ से विपक्ष के साझा उम्मीदवार का समर्थन किया जाए। ऐसे में अब फैसला उद्धव ठाकरे के पाले में है। वे मुर्मू के साथ जाने का मन बनाते हैं या विपक्ष का समर्थन कर आगे की राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,615 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महामारी से 13,265 लोग रिकवर भी हुए हैं। बता दें कि बीते एक हफ्ते के दौरान मंगलवार को कोरोना के सबसे कम मामले मिले। कल यानी सोमवार को 16,688 केस दर्ज किए गए थे। इस तरह से आज कोरोना के 3,063 मामले कम आए हैं। वहीं देश में रिकवरी रेट 98.50% है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए भाजपा हाईकमान हर राज्य के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहा है। भाजपा देश भर में अपने विधायकों और सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को तौर तरीकों से अवगत कराने के लिए 13 जुलाई को एक ट्रेनिंग क्लास आयोजित कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश से दो मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग और वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसौरिया का इसके लिए चयन किया गया है। 13 जुलाई को दिल्ली में इन मंत्री विधायकों की ट्रेनिंग आयोजित की गई है। प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालय के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग सांसद विधायकों को भी चुनावी प्रक्रिया समझाने की व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी संगठन ने अपने सभी सांसद विधायकों को भी चुनावी प्रक्रिया समझाने की व्यवस्था की है। विधायकों का मतदान विधानसभा में होगा। साथ ही 13 जुलाई को मंत्री विधायक दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर आएंगे और भोपाल में 15 जुलाई को वह सभी विधायकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के सर्किट हाउस में महोगनी का पौधा लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाने के लिए पेड़ लगाना है। सबसे अपील करता हूं कि जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उतना इंतजाम हम करें। आप भी अपने जन्मदिन और बच्चों परिजनों के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। साथ ही चुनाव पर सीएम ने कहा कि भाजपा विकास जन कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। शहरों और गांव के विकास के लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। आज मेरा सौभाग्य है, ग्वालियर में अध्यक्ष जी के साथ हमने वृक्षारोपण किया है। मैं रोज पौधे लगाता हूँ, वृक्ष लगाता हूँ, क्योंकि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित बनाने का काम है। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कम से कम हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका इंतजाम तो खुद करें।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य जयभान पवैया अल्प प्रवास पर खरतौन कला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जयभान पवैया का स्वागत किया। इस दौरान विहिप से राजेंद्र पाटीदार, ब्रज कुंभकार, अशोक कुशवाहा, अरुण बरेठा, विक्की सोनी और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य राकेश पाटीदार के साथ नवनिर्वाचित सरपंच कमलेश पटेल, रामेश्वर पाटीदार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है, जिसमें पन्ना जिले के अमानगंज, गुन्नौर के साथ पवई नगर परिषद के 15 वार्डों के लिए दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सोमवार शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं पवई नगर में 15 वार्डों के मतदान के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी वार्डों के 10,646 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं सोमवार को देर शाम पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा ने मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जहां भी व्यवस्थाओं में कमी दिखी उसे दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान एसडीओपी सौरभ रत्नाकर और थाना प्रभारी डीके सिंह मौजूद रहे। पन्ना जिले में नगरीय निकायों का द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है और गुन्नौर, अमानगंज और पवई नगर परिषद में ये चुनाव होना है। पवई में 15 वार्डों में 16 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। आज मतदान केंद्रों का मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और इन मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पे क्या चीज़ की आवश्यकता है। बीजेपी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी दौरान बीजेपी सांसद ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को कहा था, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रपति प्रत्याशी पहले अटल जी की सरकार में मंत्री थे, तो वे वोट देंगे क्या? उनको जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोग उधर वोट देंगे क्या? खबर सीहोर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूली बसों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए विचार करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में संचालित बसों का रंग पीला होना चाहिए। केंद्रीय मोटरयान नियम के अनुसार बसों में स्वच्छ अक्षरों में स्कूल बस और विद्यालय सेवा लिखा होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे ना बैठे जाएं, वहीं सहित तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई। समस्त स्कूल संचालकों को, प्रिंसिपल्स को एक निश्चित समय प्रदान किया जाए ताकि ये बसों को दुरुस्त कर सके। तत्पश्चात एक निश्चित अभियान के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसकी कार्रवाइयां होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 15-17 बिंदुओं के जो निर्देश जारी किए हैं, जैसे स्कूल बस है वो येलो रंग की होनी चाहिए, प्रॉपर फिटनेस परमिट, पॉल्यूशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश के दौर के बीच नर्मदापुरम में एक युवक बाइक समेत बह गया। युवक बनखेड़ी इलाके में बने पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीच बाइक निकाल रहा था, लेकिन तेज बहाव की वजह से संतुलन बिगड़ जाने से वह बह गया। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि ये पूरी घटना बनखेड़ी क्षेत्र में ओल नदी के ऊपर बने पुल की है। बिलासपुर के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए SECL ने प्रतीक्षा गृह और कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया है, जिसके चलते सैनिकों को यात्रा के दौरान ठहरने और विश्राम करने में आसानी होगी। इसके अलावा सैनिकों की बैठक और मीटिंग करने में भी निश्चित स्थल ना होने के कारण परेशानी होती थी, जिसके बाद से इस प्रतीक्षा और कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करवाया गया। और बिलासपुर शहर में जो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड है वहाँ पे सैनिकों के लिए जो है वो वेटिंग हॉल कम कॉन्फ्रेंस रूम एक हम लोगों ने बनाया है। उसके लिए CSR मद से वित्तीय सहायता दी गई है। यह कार्य जो है वो जिला प्रशासन के रिक्वेजिशन पर लोक निर्माण विभाग जो इसके निर्माता एजेंसी रही है।
ये जो भवन ACCL के सहभागिता नीति से बना है, ये हमारे 10 जिले के पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि बिलासपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर बहुत तरह की शैक्षणिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट और इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए संचालित ECHS पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन की भी व्यवस्था है। सामाजिक समरसता बनी रहे, आपस में भाईचारा हो और अदालतों पर पड़ता बोझ कम किया जा सके, इसके लिए पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालतों लगाई जा रही हैं। इसी क्रम में 13 अगस्त को दमोह में लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसके चलते जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के अलावा लोक उपयोगी तथा जन समस्याओं से बचने के लिए जन जागरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत है, उस संबंध में आम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो और मुकदमेबाजी का अंत हो। हमारे जिला प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय रेणुका कंचन जी द्वारा बार बार इस पर निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडिया की मीटिंग करके इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे ये जो अदालतों के लोगों को चक्कर काटने की जो समस्या है वो कम हो और ना कोई जीता ना कोई हारा की थीम पर सबको न्याय प्राप्त हो। नगरपालिका दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण सुर्खियों में है। नगरपालिका उपाध्यक्ष का कहना है कि परिषद ने PM आवास के टेंडर को निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने पर मुहर लगाई थी। ठेकेदार की लेट लतीफी और घटिया निर्माण की वजह से ये कार्रवाई की गई थी। इसके बाद भी उन्हीं चहेते ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है। परिषद की बैठक को दरकिनार कर अधिकारी मनमानी करने में लगे हुए हैं। आवास वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत होने के बाद जब काम चालू हुआ, उस समय वर्तमान CMO मोबीन अली जी थे। उसके कार्यकाल से हमारा प्रधानमंत्री आवास में घपला और भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने उसकी शिकायत की थी मुख्य अभियंता को, रायपुर और जगदलपुर में संयुक्त संचालक AC को, नगर पालिका को। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और उल्टा उनको पेमेंट किया जा रहा है। परिषद से काम निरस्त हो चुका है और आज काम बंद है और अक्टूबर 2020 के बाद उसे किसी भी तरह का भुगतान नहीं। ग्वालियर सटोरियों का सरगना सट्टा किंग संतोष घुरैया को क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते आरोपी पर गैम्बलिंग एक्ट के 3 मामले दर्ज हैं। वहीं क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आरोपी दुबई भागने की फिराक में है, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा IPL जब क्रिकेट मैच चल रहे थे उसमें IPL के दौरान 50 केस रजिस्टर किए गए थे और क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें लगभग 80 से अधिक आरोपी पकड़े थे और लगभग इससे ज़्यादा मोबाइल भी थे और कई व्हीकल्स भी जब्त किए गए थे। इसमें लगातार तलाश की जा रही थी एक आरोपी की, जिसके द्वारा 99hub.in की जो ID थी वो एडमिन था। रायपुर के PWD ब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिला है, जिस इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के हाथ पैर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। वहीं युवक के ब्रिज से कूदने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जख्मों को लेकर हत्या की बात भी कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान श्याम नगर निवासी प्रीतम सिंह के तौर पर की गई है। रायपुर से है खबर, जहां आपसी विवाद के चलते एक 10वीं के छात्र की मौत हो गई। पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां 10वीं की पूरक परीक्षा देने आए छात्रों में किसी बात को लेकर हुई कहा सुनी, जो बाद में इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके तुरंत बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। चौथी पेपर दिलाने गए थे, पेपर दिला के नीचे 12-15 को स्कूल में खड़े थे हम लोग, ऐसे मतलब बात कर रहे थे। उसके बाद ना उसको पूछा आप कहाँ से हो करके पूछा, तो भाई हम लोग खमतराई से करके बताएं। उसके बाद क्या बोला,
उसके बाद इंग्लिश में कुछ कुछ पूछा हम लोग को, हम लोग बिना बताए ना बाहर निकल गए। उसके बाद आप तुम लोग अकड़ खा रहे हो करके ना एक झापड़ मारा उसको, उसके बाद सबके सब मानने लगे। ये काशीराम शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यम है, आज 10वीं का सप्लीमेंट्री मैथ्स का एग्जाम था और वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र अपचारी जो है और एक छात्र के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, शायद उसने पूछा था कि कौन से स्कूल में रहते हो, उस बात में विवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला राजधानी के सरस्वती नगर इलाके से आया है, जहां चोरों ने एक दुकान से नकद 1,60,000 रुपए सहित 4,60,000 रुपए पार कर दिए, जिसकी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पीड़ित ने सरस्वती नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। 10 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि 9 की रात में गणपति कार श्रृंगार में चोरी हुई है और अप्रॉक्सीमेटली मशूका 4.5 लाख रुपये बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचने में हमने देखा कि पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ है और उनके गले से पैसे निकाले हैं और साथ में कुछ सामान रखा है वो भी लेके गए हैं। लगभग टोटल मशूका 4,60,000 रुपये पाया गया और सूचना संकलन करा गया, जिसपे हमने कुछ संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया है और हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें रिकवरी होती है, हम सारी चीज़ें विवेचना में शामिल करके केस फाइल करेंगे। खबर नागदा से सामने आई है, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें से 2 लोग अपनी जान बचा के चलती कार से उतर गए। जानकारी के अनुसार 2 लोग कार में सवार थे, तभी अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा, जिसके बाद से युवक ने गाड़ी को सड़क में साइड किया। देखते ही देखते पूरी कार में आग फैल गई और गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बता दें कि इस घटना से फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। अपने आप ही लगी। कहां जा रहे थे? इंगोरिया। कहाँ से आए थे? नागदा से। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2। किसी को कोई चोट वोट हानि वानी नहीं? हानि तो नहीं हुई। वैश्विक महामारी कोरोना का संकट अभी बने रहने की आशंका है, इसी बीच उससे बचाव के उपायों पर काम जारी है, जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को कोरोना महामारी और उससे बचाव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सुरक्षित गुरुवार योजना शुरू की है, जिसमें 15 से 20 मिनट तक सभी स्कूलों में COVID-19 संबंधित विभिन्न विषयों जैसे हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग, टीकाकरण जैसी गतिविधियाँ होंगी। भोपाल में 2 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जगह जगह जल जमाव के हालात बन गए हैं। कई कॉलोनियों में लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन, कैलाश नगर, सेमरा समेत 6 से ज्यादा कॉलोनियों के हालात खराब हैं। कई जगह तो 3 फीट से भी ज्यादा पानी भरा है। वहीं कैलाश नगर में 50 से ज्यादा घर पानी की वजह से बाकी जगहों से कट गए हैं। रास्ते पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ। छत्तीसगढ़ में मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें कि महज आधे घंटे में ही 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी बरस गया, जिसका नतीजा है कि बिलासपुर तहसील में 400 मिलीमीटर का आंकड़ा पार हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN News। नमस्कार।